सो हे हेलो नमस्ते सत श्रीकाल राधे राम नाम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे मन से प्यार से व्यूअर्स, कैसे आप सब ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट पे कि दुर्गा जब घर आती है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, रूम में आते ही थोड़ा डांस करती है और फिर बेड पे लेट जाती है, आंखें बंद करती है, उसे एक अलग सा सुकून सा मिल रहा था। और दुर्गा को लगता है कि ये सुकून उसे चिल्लाने की वजह से, अपने अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने की वजह से फील हो रहा है, पर एक्चुअली उसे ये सुकून फील हो रहा था सिमरन की हेल्प करके, और ये चीज़ वो डिनाई कर रही थी। खैर वो आंखें बंद करती है और सो जाती है। काफ़ी टाइम के बाद दुर्गा को काफ़ी सुकून की नींद आ जाती है और वहाँ सिमरन जो है वो भी आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। इस बार उसके मन में डर नहीं था, वो डर नहीं रही थी कि नहीं मैं सोऊंगी तो मुझे नाइटमेयर्स आएंगे, वो मेरे करीब आने की कोशिश करेंगे, मुझे मुझे छूने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, ये सब वो नहीं सोच रही थी। क्योंकि अभी अभी दुर्गा ने उसे एक नई जिंदगी दी थी, एक नई उम्मीद दी थी, नई तरीके से जिंदगी जीना सिखाया था। उसे बोला था कि तुम सिमरन 2.0 बन जाओ। अब देखते हैं कि सिमरन 2.0 सच पे बनती है या फिर नहीं। और सिमरन जो है खैर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब सिमरन की आंटी उसे जगाने के लिए आती है तो वो देखते हैं कि सिमरन ऑलरेडी रेडी वेडी होके खड़ी है। उसकी आंटी कहती, बेटा क्या तुम्हें सच में कॉलेज में जाना है? सिमरन बोलती, हाँ तो जाना, इतनी मेहनत से मुझे वो पोजीशन मिली है, मेरा एडमिशन हुआ है वहाँ पे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? हाँ तो उसकी आंटी भी काफ़ी खुश होती है और वो उसको अच्छे से आशीर्वाद वगैरह देती है और कहती है कि बेटा किसी से डरना मत, अगर कोई तुम्हें छेड़े तो, सिमरन बोलती है, अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो अपना मुंह खुद तुड़वाएगा। तो उसकी आंटी ऐसे देख रही थी और कहती है कि अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस। सिमरन कहती, अब से ना ये सिमरन सिमरन नहीं है, ये सिमरन अब सिमरन 2.0 बन चुकी है। 2.0 का मतलब तो आप जानते ही हैं ना। तो उसकी आंटी मुस्कुराने लगती है और सिमरन ने फेस पे प्यारी सी स्माइल आती है। और इतने टाइम बाद उसने आज खुद से आंटी को बोला था कि आंटी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो उसकी आंटी तो काफ़ी खुश हो जाती है, वो कहती, बैठो मैं अभी लेके आती हूँ। और वो ढेर सारा ब्रेकफास्ट बना के सिमरन के लिए लेके आ जाती है और सिमरन बच्चों की तरह खा रही थी दोनों हाथों से। उसे इतनी भूख लगी हुई थी ना, इतने टाइम से वो कुछ खा नहीं पा रही थी, पर अब वो बिल्कुल रिलैक्स थी। अब वो सोचती है कि पहाड़ में गया रोना धोना, पहाड़ में गया डरना, जब लोगों को मेरी परवाह नहीं, जब लोग मुझे टॉर्चर कर सकते हैं तो मैं उनको टॉर्चर क्यों सहूं, मैं बदलूंगी खुद को। और ये सब सोचते हुए वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि दूसरों के चक्कर में मैं अपना खाना क्यों छोड़ूं, मैं अपनी तबीयत खराब क्यों करूं, अब से ना मैं आंटी रोज पेट भर के खाऊंगी। और ऐसे बोल के बच्चों की तरह खाना स्टार्ट कर देती है अपनी दोनों हाथों से। उसकी आंटी भी मुस्कुराती है और कहती, अरे 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 बेटा आराम से खाओ, खाना कौन सा भागा जा रहा है? सिमरन बोलती, खाना नहीं जा रहा आंटी, पर टाइम टाइम जा रहा है और मैं लेट नहीं होना चाहती। और जल्दी जल्दी खा के हैंड वॉश करके वो कॉलेज के लिए भागती है। और वहाँ पे वो जैसे ही कॉलेज पहुँचती है ना, तो आज उसके मन में डर नहीं था कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा, न्यू मॉर्निंग है, पता नहीं इस मॉर्निंग में लोग मेरा कितना फ़ायदा उठाएंगे, कितना मुझे टॉर्चर करेंगे। आज वो प्यारी सी स्माइल लेके कॉलेज में एंटर होती है और वही स्माइल लेके वो क्लास में भी एंटर होती है। और जैसे वो क्लास में जाती है वो देखती है कि वहाँ पे ना मतलब एक लड़की उसकी सीट पे बैठी है। और सिमरन जैसे सीट पे जाने लगती है तो वो लड़की कहती है कि दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो सिमरन मुस्कुराती है, उसे दुर्गा का याद आता है कि दुर्गा ने क्यों यहाँ पे हाथ आके पटका था और बोला था कि मेरी जगह। सिमरन भी सेम वैसे ही गुस्से में हाथ पटकती है और कहती है कि अब मेरी जगह है यहाँ पे, रोज़ मैं बैठती हूँ, तो स्टैंड अप। और वो लड़की भी एकदम शोक हो गई थी कि यार जो लड़की कभी किसी के आगे चू नहीं करती है वो मुझे ऐसे रूड होके उठने को बोल रही है। और वो खड़ी हो जाती है और सिमरन पे रौब झाड़ने लगती है, सिमरन को मतलब सब दबाना चाहती थी, तो वो भी ये ट्राई करती है। पर इस बार सिमरन उल्टा उसी का हाथ पकड़ लेती है। वो जैसे सिमरन को मारने के लिए वो हाथ बढ़ाती है, सिमरन उसका हाथ थामती है और उसका हाथ में पीछे को घुमा के उसे पुश करती है और कहती है थैंक यू मेरी जगह से उठने के लिए, और ऐसे बोल के अपनी जगह पे बैठ जाती है। सिमरन अपनी जगह पे बैठी थी कि उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो ऐसे फिर से उसे की तरफ बढ़ रही थी उसे मारने के लिए कि तभी क्लास में दुर्गा की एंट्री हो जाती है और सारे दुर्गा को देख के बोलने लग जाते, दुर्गा आ गई प्लीज़ मत कर, छोड़ इसे, दुर्गा छोड़ेगी नहीं तुझे। तो वो गुस्से में क्लास से ही बाहर चली जाती है। अब यहाँ दुर्गा सिमरन के साथ तो आके बैठ गई थी, पर दुर्गा एक बार भी सिमरन से बात नहीं करती, ना ही उसकी तरफ देखती है। सिमरन दुर्गा को थैंक यू बोलना चाहती थी, उसके अंदर ये चेंजिंग लाने के लिए, उसे सिमरन 2.0 बनाने के लिए। और सिमरन ऐसे बोलने लगती है कि दुर्गा वो एक्चुअली आई वॉन्ट टू से, वो बस इतना ही बोलती है कि दुर्गा को एक कॉल आ जाती है, दुर्गा खड़ी होती है और वो क्लास से बाहर चली जाती है। सिमरन कहती है कि दुर्गा को इतना टाइम हो गया, वो वापस क्यों नहीं आई, इससे पहले कि मैम आई मुझे जाके दुर्गा से बात करनी ही होगी। और सिमरन ऐसे बोल के बाहर की तरफ भागती है।
और जैसे वो बाहर जाती है तो वो देखते हैं कि दुर्गा अभी तक कॉल पे है और किसी से बात कर रही है। सिमरन बात करने के लिए दुर्गा के थोड़े से करीब जाती है और तभी दुर्गा कॉल कट करती है और यू पीछे मुड़ती है। जैसे दुर्गा पीछे मुड़ती है सिमरन उसकी आंखों में एक दर्द देखती है। सिमरन देखती है कि दुर्गा की आंखें एकदम रेड रेड है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। सिमरन घबरा जाते हैं क्योंकि उसने दुर्गा को इतने टाइम से ऐसे कभी भी नहीं देखा था। मतलब जब भी देखा था दुर्गा हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहती थी, पर आज सिमरन उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। तो सिमरन को समझ नहीं आ रहा था, सिमरन उससे पूछना तो चाह रही थी पर वो घबरा भी रही थी। फिर सिमरन फाइनली हिम्मत करके दुर्गा से पूछ लेती है कि दुर्गा आर यू ओके, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो, क्या सब ठीक है। और जैसे सिमरन ऐसे बोलती है दुर्गा गुस्से में उसे घूरती और कहती क्या मतलब मैं क्यों रो रही हूँ, हाँ मैं कभी नहीं रोती, समझी तुम, मुझे मुझे कोई इंसान हर्ट नहीं कर सकता सिवाय मेरे। और दुर्गा ऐसे बोलते हुए वहाँ से कहीं भागते हुए चली जाती है। सिमरन को कुछ समझ नहीं आता, सिमरन तो सिर्फ दुर्गा को थैंक्स बोलने के लिए आई थी, पर दुर्गा का ये बदला हुआ व्यवहार देख के वो थोड़ा सहम जाती है। पर उसे कहीं ना कहीं दुर्गा की फिक्र भी होने लगी थी। सिमरन क्लास में तो आगे बैठ जाती है पर वो सारा टाइम दुर्गा के बारे में सोच रही थी, वो दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शायद दुर्गा दुर्गा आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। काफ़ी देर वेट करने के बाद आखिरकार सिमरन थक हार के अपनी नज़रें जो है वो दरवाजे से हटा के बोर्ड की तरफ कर लेती है क्योंकि उसे पता होता है अब दुर्गा नहीं आएगी। वहाँ दुर्गा जो है वो भागते हुए घर जाती है, वो देखते हैं कि उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा रो रही है। दुर्गा अपनी मम्मा को हग कर लेती है, उसकी मम्मा कहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से वह दुर्गा, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, अगर तुम वो हरकत नहीं करते तो तुम्हारे डैड मेरे साथ ये नहीं करते, तुमने क्यों किया ऐसा, क्यों तुम्हारे गुस्से ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुर्गा की मम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी। दुर्गा अपनी मम्मा कहती मम्मा मैम सॉरी, मुझे नहीं पता था मैं ऐसा कर लेंगे, मोम प्लीज़ प्लीज़ आप रोना बंद करो, मोम मैं आपको ऐसा नहीं देख सकती, प्लीज़ मोम प्लीज़ डोंट क्राई। दुर्गा अपनी माँ के आंसू पूछती है, उनके पानी लेके आते हैं पर उसकी मम्मा पानी फेंक देती है, वो बस रोए जा रही थी। उन्हें ऐसे लग रहा था कि उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। वो रूम में जाती है और खुद को रूम में लॉक कर देती है। दुर्गा चिल्लाती रहती है, दरवाज़ा पीटती रहती है, मम्मा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मम्मा प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, मम्मा आप बोलोगी ना उनके पाँव में गिर के माफ़ी मांग लूँगी, आप जैसे बोलोगी मैं वैसे ही कर लूँगी, प्लीज़ मम्मा मेरे साथ ऐसा मत करो, मम्मा मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। दुर्गा बहुत रिक्वेस्ट करती है पर जब उसकी मम्मा दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, दुर्गा बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है, वो दरवाज़ा तोड़ देती है। और जैसे वो अंदर जाती है वो देखती है कि उसकी मम्मा ने फांसी ले ली। दुर्गा एकदम शॉक्ड होती है, वो जोर से चिल्लाती है और अपनी मम्मा के पाँव पकड़ लेती है, वो जोर जोर से चिल्लाती है मम्मा मम्मा ये आपने क्या किया, मम्मा मम्मा बात करो मुझसे मम्मा, जैसे मम्मा मम्मा कर रही थी। तो मेड आवाज़ सुन के भागती है और वो बाहर से हेल्प लेके आती है। उसकी मम्मा को जो है वो नीचे उतारते हैं क्योंकि उन्होंने पंखे से फांसी ली थी। नीचे उतारने के बाद उनके मुंह पे पानी डालते हैं पर उसकी मम्मा होश में नहीं आ रही थी। दुर्गा पागलों की तरह रोने लगती है, उसे लगता है कि शायद उसने तो आज अपनी माँ को खो ही दिया। और तभी मेड जो है वो नर्व्स चेक करती है, कहती है कि परेशान मत हो मम्मा सिर्फ आपकी बेहोश हुई हैं। और वो जो है मतलब बाहर से टैक्सी बुलवा लेती है और ये लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। दुर्गा की तो मानो जैसे पूरी की पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। दुर्गा अपनी माँ का हाथ थाम के बस बैठी रही थी, रोती रही थी, माँ को होश में लाने की कोशिशें कर रही थी, उनसे माफ़ी मांगती गिर गिड़ा रही थी। पर उसकी मम्मा पे तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे दुर्गा की माँ के कान में उसकी आवाज़ जा ही नहीं रही, उनके कान में दुर्गा का रोना उसका दर्द तकलीफ कुछ नहीं जा रहा। और जैसे ही लोग हॉस्पिटल पहुंचते डॉक्टर चेकअप कर रहे थे तो दुर्गा बहुत पैनिक होने लगती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि मैं समझ सकता हूँ वो माँ है तुम्हारी, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इसी तरह रिएक्ट करता, पर प्लीज़ तुम्हें बाहर जाना होगा, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रही हो हमें। वो दुर्गा को रूम से बाहर तो भेज देते हैं पर दुर्गा की आत्मा अंदर ही रह जाती है। वो बार बार रूम की तरफ देख रही थी, अपनी मम्मा की तरफ देख रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और वहाँ पर प्रिंसिपल मैम को भी ये सब कुछ पता चल चुका और उन्हें जैसे ही पता चलता है वो तुरंत अपने कैबिन से बाहर की तरफ भागती है। और वहाँ सिमरन जो है वो प्रिंसिपल मैम को हड़बड़ी में कहीं जाते हुए देखती है और वो प्रिंसिपल मैम के पीछे जाती है उनसे बात करने के लिए। वो प्रिंसिपल मैम को भी थैंक यू करना चाहती थी क्योंकि प्रिंसिपल मैम ना होती तो दुर्गा उनसे ढूंढने के लिए कभी नहीं आती। वो प्रिंसिपल मैम के पीछे पीछे उनकी गाड़ी तक तो जाती है, उन्हें रोकती भी है पर जैसे उनसे कुछ बात करने वाली थी प्रिंसिपल मैम कहती अभी नहीं बेटा, अभी मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, बाद में बात करेंगे, और ऐसे बोल के वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। सिमरन को समझ नहीं आता, फिर वो कहती शायद मैम को कोई पर्सनल काम
काम होगा, मुझे क्या। और ऐसे बोल के सिमरन जो है वो घर के लिए आ जाती है। आज पूरा दिन कॉलेज में किसी ने भी सिमरन को टीज नहीं किया था, ऐसे नहीं था कि सब करना नहीं चाहते थे, पर सिमरन का बदला हुआ व्यवहार देख के ना सब जो है वो थोड़े सहम जाते हैं। अब इसके अलावा उन लड़कियों के साथ जो हुआ था वो सब जान चुके थे, इसलिए भी कोई अब सिमरन से पंगा नहीं ले रहा था। सिमरन घर आती है तो काफ़ी चुप चुप होती है, तो उसकी आंटी उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ कि आज फिर से सब लोगों ने, तो सिमरन मना कर देती है। तो उसकी आंटी कहती है फिर मेरी चांद सी बेटी का ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है। सिमरन बोलती वो पता नहीं, मुझे लगता है कि तुमका किसी मुसीबत में है आंटी। तो वो कहती व्हाट, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, वो बहुत ब्रेव है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो वो अपनी प्रॉब्लम्स से खुद ही डील कर सकती है। तो कहती हाँ कर तो सकती है, पर मुझे बुरा लग रहा है, जब जब मैं प्रॉब्लम में थी शी हेल्प मी, और जब शायद वो प्रॉब्लम में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो उसकी आंटी कहती बेटा उसने कौन सी तुमसे हेल्प मांगी। हाँ तो तुम रिलैक्स रहो ना। सुनम बोलती आंटी हेल्प तो मैंने भी उससे नहीं मांगी थी, पर उसने मेरी हेल्प की ना, मुझे भी उसकी हेल्प करनी है, मुझे मुझे जानना है उसको क्या हुआ। मतलब मैंने उसकी आंखों में, मैंने जब से उससे मिली हूँ ना आंटी, बहुत कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ, पर कभी भी मैंने उसकी आंखों में इतना दर्द और आंसू नहीं देखा है। और जब कल वो मुझे शांत कराने के लिए वहाँ लेके गई फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तो जितना गुस्सा मेरे अंदर था उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा मैंने वहाँ पे उसके अंदर देखा था। जितना वो चिल्ला पा रही थी उतना मैं नहीं चिल्ला पा रही थी। आई एम श्योर आंटी कुछ तो है, दुर्गा जैसे खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती है शायद वो वैसी नहीं है, शायद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो उन प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रही है। आई थिंक शी नीड्स हेल्प। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ उसके लिए। तो उसकी आंटी कहती बेटा ये बात मुझे कैसे पता होगी। हाँ अच्छा तुम शांत हो जाओ, अभी तुम ज़्यादा मत सोचो, हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, ओके हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो उसकी आंटी तो वहाँ से चली जाती है, पर सिमरन वो सिर्फ दुर्गा के बारे में ही सोचती रहती है। और वो क्यों ना सोचे, क्योंकि वही दुर्गा ही तो थी जिसने सिमरन की लाइफ की आलमोस्ट सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी थी। और वहाँ दुर्गा इस टाइम खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। जैसे ही प्रिंसिपल मैम दुर्गा के पास पहुँचते वो दुर्गा को सीने से लगा देती है। दुर्गा बहुत रो रही थी और वो बोलती है कि मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना, आंटी मम्मा को कुछ हुआ होगा तो नहीं ना, मम्मा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगी, हम तो जानती हो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा की वजह से ही जिंदा हूँ। तो उसकी आंटी कहती बेटा तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मा को, समझिए हाँ हम सब इधर ही है ना, डॉक्टर है उन्हें चेक करे ना, सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर साहब जो है वो दुर्गा की मम्मा के रूम से बाहर निकलते हैं। दुर्गा भाग के उनसे के पास जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको हुआ क्या है। दुर्गा कहती है व्हाट, आप डॉक्टर हैं और आप नहीं समझ पा रहे इनको क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये क्यों इतनी टेंशन ले रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों, उनका बीपी देखा है, उन्हें अटैक आ सकता था। तो दुर्गा एकदम सहम जाती है, वो उस जानती थी कि उसकी मम्मा को क्या हुआ है। उसने अभी तक डॉक्टरों को बताया नहीं था कि उसकी मम्मा ने फांसी लेने की कोशिश की, वो छुपा रही थी, पर डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, वो गले के निशान देख के ही समझ गए थे। और वो कहते हैं कि मेरे पापा पर्सनली आपके पापा को बहुत अच्छे से जानते हैं दुर्गा, इसीलिए मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा खुद IPS ऑफिसर है, पर IPS ऑफिसर की वाइफ सुसाइड की ट्राई क्यों करेगी, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, अगर है तो प्लीज़ मुझे बताओ। दुर्गा उधर ही चुप हो जाती है, वो क्या ही बताती, क्या बताती कि जिस मेरे बाप की तुम तारीफ़ के फूल बांध रहे हो, असल में वो एक घटिया इंसान है। दुर्गा चुप हो जाती है और बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू आप पहले बहुत हेल्प कर चुके हो, क्या मैं मेरी मम्मा को देख सकती हूँ प्लीज़। तो वो डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ। तो दुर्गा भाग के अपने मम्मा के पास जाती है, उसकी मम्मा स्टील भी होश थी, दुर्गा उनका हाथ थाम के बैठी रहती है, रोती रहती है और कहती है मम्मा प्लीज़ आँखें खोलो ना, प्लीज़ मुझसे बात करो ना। और थोड़ी देर के बाद दुर्गा की मम्मा आँखें तो खोल लेती है, पर वो दुर्गा से अपना हाथ छुड़वा लेती है और ना ही वो दुर्गा की तरफ देखती है, क्योंकि दुर्गा की मम्मा के साथ जो हो रहा था वो उसके लिए दुर्गा को ब्लेम कर रही थी, पर कहीं ना कहीं ये गलत भी था। दुर्गा अपनी माँ से सॉरी कर रही थी, वो कहती आप चाहोगे तो मैं आपके हस्बैंड के पाँव पे गिर जाऊँगी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगी मम्मा, पर मुझसे मुंह मत फेरो मम्मा, आप बोलोगी ना अपनी बाइक चला दे मैं अपने हाथों से अपनी बाइक को आग लगा दूँगी, आई स्वेयर आप जैसे बोलोगे मम्मा मैं वैसा करूँगी, पर मुझसे खफा मत हो मम्मा प्लीज़ मम्मा, हम आप तो जानते हो ना मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी आंखों में आंसू और आपकी पैरों की बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मम्मा मेरी तरफ़ देखो एक बार मुझसे बात करो। पर दुर्गा की मम्मा ना दुर्गा की तरफ़ देखती है ना ही उससे बात करती है। तभी दुर्गा
शोल्डर पे आंटी उसके हाथ रखती है और कहती है कि तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ। तो दुर्गा की आंखों में आंसू थे, वो अपनी प्रिंसिपल आंटी का हाथ थामती है और कहती है कि प्लीज़ मम्मा को बोलो मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरे पास सिर्फ मम्मा ही तो है और है ही कौन अपना कहने को। तो वो कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं समझाती हूँ। ओके, तो दुर्गा को रूम से बाहर भेज देती है। दुर्गा रूम से बाहर तो आ जाती है, पर उनसे ना अंदर ही सब चीज़ें खाई जा रही थी। आज उसने अपनी मम्मा की हालत देखी थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, उसके हाथ पांव शिवरिंग कर रहे थे और वो रो रही थी, उसकी आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी थी। वो अपने आंसू पोंछती और तभी उसकी आंखों में फिर से आंसुओं का समंदर बहने लगता। और ये सब हालत देख के उसे मेड भी समझाने की कोशिश करती है, पर दुर्गा को किसी की कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि इस टाइम उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचना था, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को ठीक करना था। पर उसकी माँ तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, ये चीज़ दुर्गा को खाए जा रही थी। पता है जब जब आप एक इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हो ना, तो वो इंसान अचानक से आपसे मुंह फेर ले, आपसे अपने रिश्ते ख़त्म कर ले, तो आप टूट जाते हो। यहाँ पे दुर्गा की सेम वही कंडीशन थी। दुर्गा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी माँ उसे एक्सेप्ट कर ले। हाँ, गर्लफ्रेंड के पीछे हमने बहुत सी गर्ल्स को रोते हुए देखा था, पर हमारी दुर्गा वो फर्स्ट लड़की थी जो अपनी माँ के लिए रो रही थी। उसे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ ही चाहिए थी, उसे कोई और रिश्ते की नीड ही नहीं थी। और वहाँ पे प्रिंसिपल आंटी जो है वो दुर्गा की मम्मा को समझाने की कोशिश करती है कि इस पर दुर्गा की गलती नहीं, किया जो किया तुम्हारे उस हस्बैंड ने तुम्हारे साथ किया, पर तुम दुर्गा को दोष क्यों दे रहे हो, वो बच्ची है तुम्हारी, वो मर जाएगी, उसके हालत पे तरस खाओ, तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए उसको ब्लेम करना बंद करो, रियलिटी समझो और उसे एक्सेप्ट करना सीखो, उस बच्ची को कोसना बंद करो। तुम्हारा उसे इग्नोर करना उसे कितना तकलीफ दे रहा है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। तो उन्हें बहुत कुछ समझाती हैं, पर दुर्गा की मम्मा जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो भी बेचारी क्या करे, अपने दिल के हाथों मजबूर, वो भी तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, और जब उन्हें लग रहा था कि उनका हस्बैंड उनसे दूर हो गया है और उसका कारण दुर्गा है, तो वो दुर्गा से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तभी दुर्गा फिर से रूम में आती है और कहती है मम्मा प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। पर उसकी मम्मा कहती चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ये सुन के ना दुर्गा की आंखों में आंसू फिर से आ जाते हैं, उसे लग रहा था जैसे उसके सीने पे ना किसी ने छुरियां चला दी थी, और वो रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी तभी उसके मोबाइल पे रिंग होता है, दुर्गा मोबाइल की तरफ देखती है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दुर्गा उस नंबर को नहीं पहचानती थी और वो इतनी टूटी हुई थी कि वो किसी से बात तक नहीं करना चाहती थी, वो कॉल कट कर देती है और फिर से ऐसे बस चलना स्टार्ट कर देती है वही रोड पे। चलते चलते वो हॉस्पिटल से भी काफ़ी दूर हो जाती है, तभी फिर से कॉल आती है और दुर्गा फिर से कट करती है। बार बार कॉल पे कॉल आ रही थी। दुर्गा पहले इतनी टूटी हुई, इतनी जख्मी और इतनी सो रही थी ना कि वो गुस्से में आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है उस कॉल से भी, और वो कॉल अटेंड करके चिल्लाते हुए बोलती है कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे, क्यों कॉल करके परेशान कर रहे हो, मेरी लाइफ की पहले कम बची पड़ी है क्या जो हम तुम मेरी लाइफ की बचाने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। दुर्गा इतनी ज़्यादा थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे पता भी नहीं था कॉल किसकी है, पर वो सिर्फ बोली जा रही थी अपना गुस्सा निकाली जा रही थी, और आगे से कोई एक इंसान एक वर्ड तक नहीं बोलता। और दुर्गा गुस्से में कॉल कट कर देती है, और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि सिमरन की होती है। सिमरन दुर्गा की सारी बातें चुपचाप सुनती है और कहती है कि इसका मतलब मैं सही थी, दुर्गा सच में प्रॉब्लम में है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, पर मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ, मैं तो जानती भी नहीं प्रॉब्लम है क्या। पर सिमरन ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकती थी, इसीलिए वो सोचती है कि वो दुर्गा के घर जाएगी, उसे दुर्गा के घर मतलब उसके दुर्गा के घर के वो इन्फॉर्मेशन निकाल दिया कि आईवीएस ऑफिसर के घर का आई, वो गूगल पर उसे सब कुछ मिल ही जाता है। वो वहाँ पहुँच तो जाती है पर थोड़ा सहम जाती है, उसे पता नहीं था कि उसे अंदर जाना भी चाहिए या नहीं, अगर दुर्गा उसे देखी तो किस तरह रिएक्ट करेगी, कहीं गुस्सा ना करने लग जाए, इसलिए वो सोचती है कि उसे वापस चले जाना चाहिए, उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि दुर्गा उससे चिढ़ जाए और फिर पहले की तरह उससे मतलब इग्नोर करना और इंसल्ट करना स्टार्ट कर दे, इसलिए सिमरन जाने लगती है। कि तभी वो देखती है कि दुर्गा रोते हुए अपने ही घर की तरफ आ रही है। दुर्गा इतनी टूटी हुई, मतलब हॉस्पिटल से लेके अपने घर तक वो पैदल और टूटी हुई आ रही थी, वो इतना ज़्यादा मतलब अपने गम में खोई हुई थी ना कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतना सफ़र पैदल चल के आ रही है, और उसके अलावा वो रोड के बीच से गुजर रही है, पर वो रोड को भी नहीं देख रही, ना लेफ्ट ना राइट, वो बस चलते हुए आ रही है, उसकी आंखों में आंसू भरे थे और हाथ में मोबाइल, और वो बस टूटी हुई हाथों को
पल्लू नीचे छोड़े हुए, बाल उसके बिखरे हुए और आंखों में आंसू भरे हुए वो ऐसे ही रोड पे चलते हुए आ रही थी। सिमरन की नज़र जैसे ही दुर्गा पे पड़ती है, पहले तो वो एकदम के लिए शोक में जाती है, वो पहचान ही नहीं पाती कि ये दुर्गा है। और सिमरन ऐसे अपनी आंखों को अच्छे से साफ करती है और फिर देखती है और कहती है तो सच में दुर्गा है। इससे पहले कि सिमरन दुर्गा को कुछ बोल पाती है, उसे देख के वहाँ से जा पाती, वो देखती है कि उसी की तरफ एक गाड़ी बहुत ही स्पीड में बढ़ रही है। सिमरन चिल्लाती है दुर्गा दुर्गा करके और ये भी बोलती है दुर्गा हटो गाड़ी आ रही है, दुर्गा तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। पर दुर्गा इतनी ज़्यादा अपने गम में खोई हुई थी कि ना उसे सिमरन की आवाज़ आ रही थी ना गाड़ी की, वो बस चलते आ रही थी और रुकने का नाम ही ले रही थी। वहाँ से गाड़ी काफ़ी करीब आ जाती है, सिमरन भागती है दुर्गा को बचाने के लिए, पर दुर्गा को बचाते बचाते सिमरन को खुद बहुत ज़्यादा लग जाती है, मतलब यहाँ पर सिमरन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्राइवर जो है वो बेचारा भी ब्रेक लगाने की कोशिश करता है पर वो काफ़ी स्पीड से आ रहा था और गाड़ी रुकते रुकते सिमरन तक ठुकी जाती है। सिमरन को लगती तो है उसका एक्सीडेंट होता तो है पर वो उसको ज़्यादा नहीं लगती है, मतलब उसके बैक पे लगती है और उसके ना शोल्डर्स पे लगती है और थोड़ी सी उसके सर पे लगती है गिरने की वजह से, उसे चोट लग गई थी। पर दुर्गा इतना सब कुछ होने के बाद भी दुर्गा क्या ध्यान सिमरन पे जाता भी नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। पर दुर्गा वहाँ से बगैर कुछ देखे बगैर कुछ बोले चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसने ना सिमरन को देखा ना सिमरन को उठाया, वो बस ऐसे लग रहा था जैसे वो वहाँ पे उसका शरीर तो है दुर्गा का पर उसकी आत्मा उसका दिमाग कुछ भी वहाँ पे नहीं है, वो जिंदा चलती हुई लाश लग रही थी और वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। और वही गाड़ी वाला बेचारा नीचे उतरता है, वो सिमरन को उठाता है, उसे सॉरी बोलता है और फिर कहता है कि तुम्हें मेरी गाड़ी के सामने क्यों आना था। सिमरन बोलते हैं आई एम सॉरी एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो वो आदमी देखता है कि वो लड़की तो जा रही है तो बोलते तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रही थी जिसे तुम्हारी जत्ती भर फिक्र नहीं, उसने तुम्हें नीचे से उठाया तक नहीं। सिमरन बोलती ऐसा नहीं है, वो बस थैंक यू सो मच आपने मुझे बचाया थैंक यू। तो सिमरन उसको थैंक यू बोलती है और फिर भागते हुए दुर्गा के पास आती है, वो दुर्गा का हाथ पकड़ लेती है। दुर्गा एकदम रुक जाती है और यूँ पीछे की तरफ पलटती है। सिमरन जब दुर्गा को इतने करीब से देखती है ना तो वो पूरी तरह सहम जाती है, दुर्गा की आँखें बहुत ज़्यादा रेड रेड हो चुकी थी और सूज गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे दुर्गा ना जाने कितने घंटों से रो रही है और उसकी वो हालत वो पसीना पसीना चल चल के फुल बुरी हालत हो चुकी थी, बाल सारे बिखरे हुए। सिमरन दुर्गा के करीब आती है, वो उसके बालों को उसकी आंखों से यूँ थोड़े पीछे करती है और कहती है दुर्गा क्या तुम ठीक हो। सिमरन दुर्गा से काफ़ी सवाल करती है, उससे पूछती है कि तुमने अपनी क्या हाल बना रखा है, ये सब क्या चल रहा है। पर दुर्गा उस टाइम मानो अपनी सेंसेस में थे ही नहीं, दुर्गा कुछ बोल ही नहीं पाती है और सिमरन उसे बोलती है ओके ठीक है आओ मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ। तो सिमरन उसका हाथ थाम लेती है क्योंकि वो जानती थी कि दुर्गा तो अंधाधुंध रोड क्रॉस करेगी और फिर से उसको चोट लग सकती है। सिमरन ने जब उसका हाथ थामा था तो उसी हाथ पे सिमरन के ब्लड आ रहा था उसको चोट लगने की वजह से, पर सिमरन को हल्का सा पेन भी होता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वो खुद को संभालते हुए और दुर्गा को संभालते हुए जो है उसके घर की तरफ लेके आ जाती है, दरवाजे तक छोड़ के ज़ोर ज़ोर से बैल बजाने लगती है और कहती है कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। तभी दुर्गा यूँ अपने दरवाजे को यूँ हाथ लगाती है, दरवाज़ा खुल जाता है, दुर्गा यूँ अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद वो ऐसे अपने घर के आंगन में जो है वहीं पे ऐसे ही बैठ जाती है और वो अपने सर को यूँ पीछे लगाती है और फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। दुर्गा उस टाइम इतने सेंसेस में भी नहीं थी कि वो रो रही है, उसे किसी के सामने रोना नहीं पसंद था, वो देख ही नहीं पाती है कि यहाँ पे उसके अलावा सिमरन भी है जो उसे इस तरह देख रही है। दुर्गा बस फूट फूट के रोने लगती है, सिमरन को कुछ समझ नहीं आता, वो दुर्गा के पास आती है उसे चुप कराने की कोशिश करती है और तभी जो है घर के अंदर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी को देख के दुर्गा एकदम होश में आती है। दुर्गा जो है उसे देख के भागती है उस गाड़ी की तरफ, और गाड़ी अभी रुकी भी नहीं थी अभी चल रही थी, दुर्गा भागते हुए ड्राइविंग सीट पर यूँ हाथ मारने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। सिमरन देखती है तो एकदम शोक में जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये सब चल क्या रहा है। तभी उस मतलब ये सब हरकत करने के बाद दुर्गा जब यूँ पीछे हटती है गाड़ी रुकती है तो उसमें से एक आदमी निकलता है और जब वो आदमी निकलता है ना तो कड़ा काफ़ी मतलब सूट वूट पहना हुआ, काफ़ी पर्सनैलिटी भी डिसेंट थी, बहुत कुछ था तो सिमरन पहचान नहीं पा रही थी, मतलब उसने देखा तो था दुर्गा के डैड को पर आज वो थोड़े हटके लग रहे थे, मतलब लड़कों की तरह रेडी हुए थे जैसे यंग लड़के रेडी नहीं होते, फुल बाल शाल यूँ बनाना और हेयर स्टाइल अच्छे से बनाना ड्रेस अच्छे से पहनना सेम वैसे। एक बार तो सिमरन भी बस उन्हें देखती रह जाती है और दुर्गा उनकी उन्हें देखती है और बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती है, हाँ वहाँ पर मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और आप
तो ऐसे गुस्से से बोलने लग जाती है। और तभी उसके डैड जो है वो दुर्गा को इग्नोर करते हुए उसे साइड पे करते हैं और जो है बगल वाली सीट का दरवाजा खोलते हैं और वहां से एक लड़की नीचे उतर गया। और लड़की कोई और नहीं, वही थी जिसे दुर्गा ने एक बार पीटा था। दुर्गा जब उसे देखती है तो वो फिर से उसकी तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी मोम हॉस्पिटल में, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। दुर्गा ऐसे बोल के आगे बढ़ी रही थी उसे मारने के लिए। तभी उसके डैड उसको हाथ थामते और पीछे की तरफ पुश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी माँ पे हाथ उठाते हुए? तो दुर्गा ऐसे उन्हें देखती रह जाती है। वो कहते हैं कि पत्नी है मेरी, तो इसका मतलब ये तुम्हारी माँ है, तो रिस्पेक्ट करो अपनी माँ की। मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। दुर्गा बोलती, डैड आई एम सॉरी, ओके, आई नो आप मुझ में गुस्सा हो, आई एम सॉरी, मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। और दुर्गा सच में ही नीचे बैठ जाती है। वो अपनी मोम की खातिर अपने डैड के पाँव तक पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है कि डैड प्लीज़ ऐसा मत करो मोम के साथ। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, वो हॉस्पिटल में, प्लीज़ डैड एक बार मोम के पास चलो, प्लीज़ वो आपको देखेंगी तो शायद मुझे माफ़ करते, वो मुझसे बात नहीं कर रही है प्लीज़ डैड। तो उसके डैड बोलते हैं तुम्हारा मसला है मेरा नहीं। और ऐसे बोल के वो दुर्गा को लिटरली वो अपनी बेटी को धुड़कार देते हैं, मतलब उसको यूं टांग से पुश कर देते हैं और उस लड़की का हाथ पकड़ के अपने घर के अंदर लेके जा रहे थे। दुर्गा पहले तो रोती रहती है, फिर पता नहीं उसे अचानक क्या होता है, वो भागती है अंदर की तरफ और वो देखती है कि उसके डैड जो है उस लेडी को लेके अपने ही रूम में जा रहे हैं, मतलब वो रूम जहाँ दुर्गा की मोम और उसके डैड रहा करते थे। वो जैसे ही उस रूम में एंटर होने लगता है, दुर्गा एकदम दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है कि तीन हो, ये मेरी मोम का रूम है, मैं सो रहा तो इस रूम में कदम भी नहीं रखने दूंगी। नो डैड, बिल्कुल भी नहीं, आप ये नहीं कर सकते, प्लीज़ डैड, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूँगी, कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करूँगी, आपका हर काम मानूंगी, प्लीज़ एक बार मेरे साथ हॉस्पिटल चलो प्लीज़। तो उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूँ तो आगे से हटो, मेरी पत्नी बहुत थक चुकी है, उसे आराम करना है। दुर्गा ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसका मन तो कर रहा था कि वो अपने डैड को जान से मार दे और उस औरत को भी, पर सिर्फ इस वजह से कि उसके डैड ने बोला था मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूँगा, दुर्गा ना चाहते हुए भी दरवाजे से हट जाती है। उसके डैड उस औरत को लेकर रूम के अंदर चले जाते हैं और रूम को लॉक कर देते हैं। दुर्गा उधर ही नीचे बैठ के फूट फूट के रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और ये सब कुछ सिमरन की आंखों के सामने हो रहा था, सिमरन ये सब कुछ देख रही थी, पर सिमरन का वहाँ पे होना ना दुर्गा के डैड नोटिस करते हैं और ना ही दुर्गा, दुर्गा पूरी तरह से टूट चुकी थी, जो सब उसके लाइफ में अचानक से हो रहा था ना उसे समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ दुर्गा के डैड उस नई अपनी पत्नी को बोलते हैं कि देखा तुमने कहा था ना मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं थामूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, तुम बस दूसरी औरत बन के रह जाओगी, लोगों के ताने सुनते रहोगी, पर तुमने देखा मैंने ऐसा नहीं होने दिया, अब तो तुम मानती हो ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ? और बोलती हाँ मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। और ऐसे बोल के उन्हें हग कर लेती है। और वहाँ बेचारी दुर्गा रोती रहती है, वो एकदम से होश में आती है, उसे अपनी मोम का ख्याल आता है, उसे अपनी मोम को देखना था पर वो जानती थी वो जाएगी तो उसकी मोम उसकी तरफ देखेंगी भी नहीं, बात भी नहीं करेंगी। इसलिए वो दरवाज़ा पीटने लगती है कि डैड प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, आपने मुझे बोला था आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे, प्लीज़ डैड प्लीज़ ओपन द डोर। दुर्गा बेचारी बहुत पीटती है पर उसके डैड दरवाज़ा तक नहीं खोलते और दुर्गा रोती रहती है और सिमरन जो है वो भी खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। ये सब देख के ना सिमरन को समझ नहीं आता वो क्या करे, मतलब दुर्गा का यह पेन, यू दुर्गा का ये हालत देखना, उसका टूटना, उसका रोना धोना, ये सब सिमरन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिमरन जो अभी दुर्गा को इतने अच्छे से जानती भी नहीं थी, वो भी दुर्गा की हालत देख नहीं पा रही थी, पर दुर्गा के खुद के डैड जो मतलब उनका खुद का खून बैठ के बाहर रो रहा है, उनके पाँव पकड़ रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, पता नहीं उन्हें तरस क्यों नहीं आता। और वो बहुत सख्त दिल इंसान बन जाते हैं, वो अंदर अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक बातें कर रहे थे जबकि बाहर उनकी उनकी खुद की सगी बेटी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार बस मेरे साथ मोम को देखने के लिए चलो बस एक बार, पर वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे। सिमरन दुर्गा को उठाती है, कहती चलो मेरे साथ, दुर्गा इतनी टूट जाती है कि वो सिमरन को देखती भी है पर कुछ नहीं बोलती। सिमरन उसका हाथ थाम के उसे बाहर लेके आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है दुर्गा, पर दुर्गा कुछ नहीं बोलती है और वो फिर से रोते हुए अपने घर से बाहर निकल आती है। दुर्गा को उस टाइम गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो अपने डैड की और उनकी जो नई पत्नी है उनकी जान ले ले, पर सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मोम की वजह से अपना गुस्सा पी रही थी, क्योंकि एक बार वो उस औरत पे हाथ उठाने की गलती कर चुकी थी और उसकी सजा उसके मोम को मिल रही थी। वो फिर से ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके डैड उसके साथ तो कुछ नहीं करते पर उसके मोम को पनिश करते रहते।
दुर्गा इसलिए बस घर से बाहर आती है और रोते हुए फिर से चलना स्टार्ट कर देती है सिमरन। उसका हाथ थामती है और कहती है कि दुर्गा प्लीज मुझे बताओ कहाँ जाना है। दुर्गावती, मम्मा मुझे मुझे मम्मा को देखना है। सिमरन बोलती, ओके ओके ठीक है, हम चलते हैं। ओके, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। सिमरन ने सारा टाइम दुर्गा का हाथ थामा होता है, वो उसे देख के पैदल चल रही थी, पर हॉस्पिटल शायद बहुत ही दूर था, ये सिमरन को पता नहीं था। सिमरन चलते चलते थक जाते, उस बेचारे को चोट भी काफ़ी लगी थी, इसलिए वो उससे पूछती है हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल में, नाम तो बताओ। तो दुर्गा जब नाम बताती है तो वो सिमरन समझ जाती है कि ये हॉस्पिटल तो बहुत ही दूर है। वो ऑटो रोकती है, वो दुर्गा को उस ऑटो में बिठाती है, दुर्गा को लेके उस मतलब हॉस्पिटल में आ जाती है। और दुर्गा जैसे अपनी मम्मा को देखने के लिए रूम में जाती है, उसकी मम्मा दूसरी तरफ मुंह पलट देती है, और ये देख के दुर्गा की आंखों में फिर से आंसू आने लग जाते हैं। दुर्गा टूट जाती है। वो कहते हैं ना कि जब वो इंसान आपसे मुंह फेर ले ना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी जान एक बार नहीं 1000 बार निकलती है। और दुर्गा का वही हाल था, दुर्गा बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और सिमरन शॉक थी, मतलब दुर्गा जैसी दबंग लड़की जो किसी को पीटने से पहले, हाथ उठाने से पहले 1000 बार नहीं सोचती है, जो कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, जो सॉरी तक नहीं बोलती है, वो आज अपने बाप के आगे गिड़ गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, लिटरली उनके पाँव पकड़ रही थी, तो उसके बाप को तर्स क्यों नहीं आया? सिमरन यही सब सोच रही थी। और तभी प्रिंसिपल मैम सिमरन को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सिमरन उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैम ये सब क्या चल रहा है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप दुर्गा की मोम नहीं हो। तो बोलती, नहीं मैं क्यों होंगी उसकी मोम, तो अंदर है ना। तो बोलती, पर उसकी मोम उसे इग्नोर क्यों कर रही है? दुर्गा दुर्गा के साथ ये सब क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ बताओ, मैं मुझे नहीं देखी जा रही है दुर्गा की हालत। प्रिंसिपल मैम उसे बोलते हैं कि तुम घर जाओ, अगर दुर्गा को पता चलेगा ना वो तुम पे बहुत गुस्सा करेगी। सिमरन बोलती है, मैं उसी के साथ यहाँ पे आई हूँ, इनफैक्ट मैं उसे यहाँ पे लेके आई हूँ, वो पूरी तरह से टूट चुकी है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मुझे मुझे दुर्गा को वो पहली वाली हालत में देखना है जो किसी से नहीं डरती थी। और सिमरन ने जो भी देखा था ना वो सब आंटी को बता देती है, मतलब प्रिंसिपल मैम को बता देती है कि दुर्गा कितनी रो रही थी, अपने बाप के पाँव तक पकड़ रही थी, पर उसके बाप ने उसकी एक नहीं सुनी। कोई बाप इतना इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं दुर्गा के साथ? और दुर्गा की मोम भी उसे छुटला रही है, वो भी उससे मुँह फेर रही है, दुर्गा ने ऐसा क्या कर दिया है? तो प्रिंसिपल मैम कहते, तुम इन सब चक्रों में मत पड़ो, दुर्गा भी होश में नहीं है, जब उसे पता चलेगा ना तुम उसके बारे में ये सब जानती हो तो वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, ये तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। सिमरन बोलती, पर मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल मैम कहती, अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो ना तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। सिमरन जाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो दुर्गा को इस तरह नहीं छोड़ना चाहती थी। जब जब सिमरन अकेले पड़ गई थी तो दुर्गा ने उसकी हेल्प की थी, और आज दुर्गा अकेले पड़ गई थी तो सिमरन को उसकी हेल्प तो करनी ही थी। वो जाते जाते वापस आ जाती है, कहती नहीं मैम, वो मुझ पर चिल्लाए, मुझे धुतकारे, मुझे गाली दे, जो करना है उसको उसका मनोभव करे, पर मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि उस टाइम उसे ना किसी इंसान की जरूरत है जो उसे समझे, और दुर्गा ने मेरा बहुत साथ निभाया है, वो मुझे जानती भी नहीं थी, तो अब मेरी बारी, अब मैं साथ निभाऊंगी। प्रिंसिपल मैम कहती है कि सिमरन तुम पछताओगी, तुम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो। सिमरन बोलती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे जैसा व्यवहार करना है मेरे साथ करे, पर ऐसे में मैं उसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, ये मुझसे नहीं होगा। और सिमरन उधर ही रुकने का फैसला कर ली थी। अब सिमरन का यह फैसला उसी पे भारी पड़ने वाला है, या इस फैसले से वो दुर्गा के क्लोज आने वाली है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।